गुड मॉर्निंग एवरीवन, सिक्स क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो हम पढ़ रहे हैं सेवन्थ चैप्टर फ्रैक्शन। तो 7.2 का हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर थ्री तक ही है, और हमारी जो एक्सरसाइज है 7.2 वो कम्प्लीट हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन जो वो 7.3 से भी ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए यहाँ कल हमने पिछले कल किया था कि जैसे कोई हमारे पास जो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे 15/3 है, ठीक है, कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर होता है जिसमें न्यूमिनेटर जो वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर है 15, तो 15 बड़ा है नीचे वाले से 3 से, तो ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने जो मिक्सड फ्रैक्शन में कल चेंज किया था, कैसे, क्यू आर डी की फॉर्म में लिख करके, क्यू आर डी की फॉर्म में लिख करके, इस फॉर्म में। तो हमने जो वो जब इसको डिवाइड किया था, जैसे 15 को 3 से डिवाइड किया मैंने यहाँ पे, तो आ गया मेरा 3। अच्छा 15/3 नहीं लेते हैं, 4 लेते हैं, ठीक है, 15/4 ले लेते हैं। तो जैसे मैंने, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो जाएगा इसमें, तो 4 3 जो हो जाएगा 12, ठीक है, 4 3 12, और नीचे आ जाएगा 12 13 14 15 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 3 है, रिमाइंडर भी 3 है, और यहाँ पे डिवाइजर 4 है। तो इस फॉर्म, इसको जो वो हमने किस फॉर्म में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो हमें बताया कि मिक्स फ्रैक्शन में क्यू आर डी की फॉर्म में लिखते हैं। क्यू है हमारे पास 3, रिमाइंडर है हमारे पास 3, और डिवाइजर है हमारे पास 4, 3 एंड 3/4 जो वो इसका आंसर आ जाएगा। कुछ इस तरह से हमने जो वो सीखा था कि कैसे करते हैं, डिवाइड करना है सिंपली, और क्यू आर डी की फॉर्म में लिखना है। क्यू जो वो यहाँ पे कोई भी होल नंबर हो सकता है, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। ओके, तो आज हम सीखेंगे कि आपको जो वो क्यू आर डी की फॉर्म में दिया होगा, मतलब कि आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होगा, आपने जो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में नहीं, आपने जो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन में तो ये है पहले से ही, ठीक है। तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर में चेंज करने, देखिए इम्प्रॉपर में क्या करना है कि जैसे न्यूमिनेटर जो बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से जो वो किसी सिंपल फ्रैक्शन, मतलब कि इम्प्रॉपर में ही चेंज होगा, वो हमेशा ही इम्प्रॉपर में चेंज होगा। ये बात आप याद रखिए कि जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर में ही चेंज होगा, मतलब कि उसका न्यूमिनेटर बड़ा ही होगा हमेशा, डिनोमिनेटर पहले से ही फिक्स है। देखिए डिनोमिनेटर कैसे फिक्स है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे जो वो हमने निकालना है। सबसे पहले देखिए नीचे लिखा है 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो ए जो वो हमारा डिनोमिनेटर होगा ये तो पता है, बस हमें न्यूमिनेटर निकालने की जरूरत है, ठीक है, न्यूमिनेटर निकालने की जरूरत है। न्यूमिनेटर कैसे निकलेगा, न्यूमिनेटर आपको पता है कि ये जो वो क्यू आर डी की फॉर्म में है, तो क्यू जो वो यहाँ पे 7 है, आर जो वो 3 है, और डिवाइजर यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, कैसे याद रखना है, मैं सभी को ऐसे ही बताता हूँ कि जैसे रिमाइंडर को जो वो आपने प्लस करना है, रिमाइंडर को तो प्लस करना है, बाकी जो 2 बच गए उसको आपने जो वो मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है। रिमाइंडर को प्लस करना है, बाकी जो बच गए उसको आपने जो वो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किसको, कौन कौन बचे यहाँ पे, रिमाइंडर तो लिख दिया, तो क्यू और डी बचे, तो क्यू और डी को मल्टीप्लाई करो, सिंपल है, क्यू और डी को मल्टीप्लाई करो और ब्रैकेट ले लो, ठीक है। तो ए आपका जो वो फॉर्मूला रहेगा, ये आपका फॉर्मूला रहेगा, क्यू मल्टीप्लाई डी प्लस आर। तो क्यू क्या है यहाँ पे, अब सॉल्व करते हैं इसको। क्यू क्या है हमारे पास, क्यू है हमारे पास 7, तो 7 लिख दिया मैंने। आर डी क्या है, डिवाइजर यहाँ पे जो वो क्या है 4 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4, और प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर ऊपर होता है, तो +3, तो मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नीचे जो वो 4 ही होगा, मैंने बता दिया पहले, अब नीचे जो फिक्स है पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे 7 4 जा, पहले आपको बताया कि मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 7 4 जा हो जाएगा 28, 28 + 3, 28 में 3 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 29, 31 हो जाएगा, ठीक है। 31/4 जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 31/4, 31/4 इज द राइट, 31/4 इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने जो वो 7 एंड 3/4 को चेंज किया, तो 31/4 आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आपने जो वो सभी क्वेश्चन करने हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 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 यस इसको लेते हैं, इसमें क्या करना है, क्यू मल्टीप्लाई बाई डी प्लस आर करना है, सिंपल, ठीक है। नीचे तो डिवाइजर ही होगा, नीचे जो भी है वो डिवाइजर ही होगा, जैसे 7 है तो 7 ही होगा यहाँ पे, तो मैंने 7 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू और डी क्या है, क्यू 9 है, डिवाइजर 7 है, ठीक है, 3 जो वो यहाँ पे रिमाइंडर है, नीचे जो वो क्या है 7 है, तो 9 7 जा कितना होता है 63, 63 में पहले आप जो वो 63 लिख लें ऐसे, फिर +3 करें तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 63 में 3 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, सॉरी 66 हो जाएगा। तो 66/7 जो वो इसका आंसर आ जाएगा, आप चाहो तो नीचे देख सकते हो 67, यहाँ पे जो यस सॉरी 67 यस 66/7 हो जाएगा, ठीक है, 66/7 जो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो ऐसे ही आपने सभी क्वेश्चन करने हैं, आप चाहो तो ये यहाँ पे स्टेप सीधा लिखा है, आप चाहो तो क्यू आर डी की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं पहले, बस आपको पता है कि क्यू आर डी ए है,
ठीक है, तो क्यू और डी को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 8 और 9 को करना है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सीधा सा है, किया हुआ है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चनों को जो आप कंप्लीट करें, तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.3। देखिए यहाँ पे जो 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने ऐसे क्वेश्चन तो थर्ड क्लास से करते आ रहे हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 3 साल हो गए आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते करते। देखिए यहाँ पे लिखा है, राइट द फ्रैक्शन ऑल आर ऑल दीज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, ठीक है। हाँ, यहाँ पे चेक करना है सबसे पहले तो फ्रैक्शन लिखना है और इक्विवेलेंट देखना है कि क्या सभी इक्वल इक्विवेलेंट है, बस इतनी सी बात हमने करनी है। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है वो मैं पहले आपको बता दूँ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे जैसे मैंने लिखा 3/4, अगर मैं 3/4 को जब वो 1 से करूंगा तब तो 3/4 ही आ जाएगा दोनों को, ठीक है। मैं 2 से करता हूँ, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3 2 6, 4 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/6 को जो वो 6/8 लिख दिया मैंने, क्यों? क्योंकि मैंने 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए जब ऊपर भी किया नीचे भी किया तो उस फ्रैक्शन को कोई डिफरेंस नहीं आया, डिफरेंस क्यों नहीं आया? देखिए 6/8 तो आपको लोगों की 6/8 तो आया, ये तो डिफरेंस आया। लेकिन जब मैं इसको फ्रैक्शन को काटूंगा, देखिए जो वो 2 के टेबल में दोनों आते हैं तो 2 3 जा एंड 2 4 जा, तो आ गया 3/4। तो ये 3/4 ही था, बस इसको जो वो थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने, थोड़े से नंबर जो वो यहाँ पे चेंज हो गए, है 3/4 ही। तो ऐसे जो आप कोई कोई भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं, मतलब कि 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो वो 6/8 हो गया, या जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें ऊपर और नीचे दोनों तरफ करना पड़ेगा, 4 से करेंगे तो नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल जाएगा, 5 से करेंगे तो ऐसे निकलता चला जाएगा। तो ये होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ पे इसने बोला कि फ्रैक्शन लिखिए पहले, तो इस फिगर को देखिए फ्रैक्शन लिखिए, फिर जो वो चेक करिए कि इक्विवेलेंट है या नहीं, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि एक सर्कल है, सर्कल के 2 इक्वल पार्ट हुए हैं, जितने पार्ट इक्वल हो, मतलब कि सारी टोटल पार्ट जो वो नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग लिखते हैं, तो 2 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक जो वो यहाँ पे कलर है, एक जो वो कलर किया हुआ येलो है शायद, तो 1 ऊपर लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट में इसमें देखिए इसमें जो वो टोटल 4 है तो वो नीचे लिख दिया, 2 जो वो यहाँ पे कलर है 2/4 आ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कलर जो वो 3 को किया है और टोटल 6 है, 3/6 हो जाए। यहाँ पे जो वो टोटल कलर्ड जो वो 4 है और टोटल बॉक्सेज जो वो 8 है। अब इन सभी को देखिए 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, ये सभी इक्विवेलेंट हैं, क्यों? क्योंकि जो वो देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा। अगर मैं इसको 3 से करता हूँ तो ये आ जाएगा, 4 से करता हूँ तो ये आ जाएगा, मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसका इक्विवेलेंट का पहचानने का जो तरीका है वो ये है, जैसे आप 3 को 6 से डिवाइड कर दिए, डिवाइड या डिवाइड क्यों करना है, काट दीजिए इसको, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया, 4 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप इसको सॉल्व करिए, सिंपल है बहुत ज़्यादा। तो सभी जो वो ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर में भी लिखा है, तो ऐसे ही आपने सॉरी ऐसे ही आपने जो वो ही लिखना था, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, यस ऑल ऑफ दीज फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। बस इतनी सी बात लिख दो कि ये सब इक्विवेलेंट है, मैंने आपको बता दिया कैसे जो वो इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे जो वो टोटल कितने बॉक्स है देखिए 4 है, नीचे 4 है, 4 4 4 3 जा 3 टाइम्स 4 4 4 3 जा 12, तो 12 जो वो नीचे आ जाएगा। कितने बॉक्स शेडेड है कितने, या कितने सर्कल जो वो शेडेड है, 4 है, 4/12 जो उसका आंसर आ जाएगा। इसको चेक करिए, इसमें जो वो टोटल 9 है तो 9 मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है, 9 मैंने नीचे लिख दिया। अब कितने जो वो यहाँ पे शेडिड है, 3 जो वो शेडिड है, 3/9 आ जाएगा। इसमें चेक करिए नेक्स्ट में, इसमें टोटल बॉक्स जो वो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 मैंने लिखा और 2 जो वो शेडिड है, 2/6 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 मैंने नीचे लिखा और 1 शेडिड है तो 1/3 आ जाएगा, शेडिड या कलर कुछ भी बोलिए, ठीक है। यहाँ पे जो वो देखिए कितने हैं, 1 2 5 है, 5 है, 3 टाइम्स 5 3 जा 15 हो गए टोटल, 15 अगर टोटल है तो शेडिड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6/15 इसका आ जाएगा। देखिए जो वो सभी अलग 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 लग रहे हैं, ठीक है, सभी जो वो अलग अलग फ्रैक्शन है, तो ये जो वो इक्विवेलेंट नहीं लग रहे हैं। 1/3 जो वो देखिए कहीं नहीं आ रहा है, अगर 6 1 जा 6 और यहाँ पे 18 होता तब तो 1/3 आता, लेकिन यहाँ पे जो वो सभी अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए कि नो दिस फ्रैक्शन आर नॉट इक्विवेलेंट। तो आप इन क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को करिए, इसको आप अच्छे से ड्रॉ भी करिए, तभी आपको जो वो अच्छे से क्लियर होगा। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।